हेलो मेरे निजी नियमित बीपीएससी चयनित शिक्षक छात्र शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक न्यूज ऑल टाइप खबरें 31 अगस्त 2024। वेतन एरियर भी नियोजित शिक्षक ज्वाइन किसे करे पहले, सक्षमता प्रधान या टीआरई 3.0 समेत MDM और तमिलनाडु जाँच गई टीम के कुछ खुलासे का इसमें जिक्र होगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दिन भर की समेटे सभी खबरें इसमें प्रेजेंट हैं, तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिक्षक न्यूज 31 अगस्त 2024, देखिए क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु गई टीम के कुछ नतीजे और उनके खुलासे। मध्यान्ह भोजन योजना से मुक्त होंगे राज्य के शिक्षक, साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम में तमिलनाडु मॉडल लागू होने के प्रबल आसार बढ़े, और क्या कुछ रहा तमिलनाडु टीम की खुलासा हुई रिपोर्ट में। तमिलनाडु से अध्ययन कर लौटी टीम ने विभाग को दी है रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर सांकेतिक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश। क्या कुछ है उस टीम का हाईलाइट बिंदु। तमिलनाडु में विद्यालय का संचालन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक, और 75% प्रधानाध्यापक बनते हैं DO और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान भी। प्रबंधक स्तर के कर्मचारी को 24,000 रुपये वेतनमान, रसोइयों को 14,000 रुपये और सहायक रसोइयों को 8,000 रुपये तक वेतन देने की सेवानिवृत्ति के साथ साथ एकमुश्त राशि देने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 अस्थायी कर्मचारी होंगे। शहरी क्षेत्रों के विद्यालय नगर निगम के अधीन आते हैं। संविदा और अस्थायी जगह शिक्षक से लेकर रसोइया तक अस्थायी नौकरी, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ब्रेकफास्ट। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारी गए जो गए थे टीम में प्राथमिक शिक्षक निदेश मिथिलेश मिश्रा, साथ ही राज्य शिक्षक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन कुमार, उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, कटिहार जिला के शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार और सभी चंपारण संबंधित सभी अधिकारी गए थे। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें तो बातें दिखने को आ रही है सरकार की ओर से कि हर विद्यालय में 2 BPSC शिक्षक होंगे, साथ ही साथ आपका MDM से मुक्ति मिले, और तीसरा बात जो जिक्र हो रही है कि आपका स्थानांतरण और पॉलिसी को लेकर के जो मेन बिंदु है पदस्थापन स्थानांतरण और सेवा निरंतरता का लाभ, ये जिक्र कमेटी अभी तक बाहर नहीं कर पाई है। जो आपकी योग्य कह सकते हैं आपकी योग्यता के अनुरूप नहीं है, जिन शिक्षकों का ये नियोजित शिक्षकों का इंतजार है वे बातें तो आ ही नहीं रही है। देखिए वो भी बातें आने का समय पूछ ही जाएगा क्योंकि अब टाइम ऑफ हो रहा है, अब काउंटडाउन शुरू है। शिक्षकों को ई कंटेंट खोजने और तैयार करने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। शिक्षा का अभिभावकों के लिए करें तैयार कंटेंट, और साथ ही साथ वेतन और एरियर को लेकर आई बड़ी अपडेट्स। जी हाँ, आपका आवंटन राशि जो है जिला में भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि जिला वाले में जो है DPO DO महोदय साहब सो करता है वो दिखाता है या नहीं दिखाता है, क्योंकि सारा दारोमदार अब जिला से शुरू होगा, यहाँ से खेल शुरू होगा। वेतन और एरियर वाला, एरियर वाला तो निश्चित ही खेल में होता है और वेतन वाला भी डिले में जाने लगता है, जिसमें बैंक अधिकारी DPO DO साहब महोदय और साथ ही साथ शिक्षकों का भी इसमें BO का भी योगदान रहता है। जब अनुपस्थिति विवरणी नहीं भेज पाते हैं तो वेतन उनका भी विलम्ब हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की रुख करते हैं। 1 से 8वीं कक्षा की परीक्षा में हर प्रश्न का हो जाएगा कोड, और प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य और शिक्षक को रिजल्ट का करना होगा इंतजार। साथ ही ये बताने जा रहे हैं कि क्या आपको ज्वाइन पहले करना है, सक्षमता प्रधान या TRE 3.0। जी हाँ, ये समस्या नियोजित शिक्षकों के सामने खड़ी हो चुकी है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि एक नियोजित शिक्षक इन सब रिजल्ट में सम्माहित हो रहे हैं। सभी शिक्षक की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नियोजित शिक्षक सक्षमता में भी है, प्रधान में भी है, TRE 3.0 में भी है, और फ्रेंड्स वे शिक्षक जो नियोजित ही हैं उनके सामने जो विकल्प है वो प्रधान वाला भी है, TRE 3.0 है। अब सवाल ये है कि ज्वाइन किसको करना है, तो सवाल ये अटका हुआ है कि पहले हमारे जो भी नियोजित शिक्षक साथी है या हमारे ओर से जो सर्वे कराए गए उसमें ये पाया गया कि शिक्षक ये चाहते हैं कि सक्षमता पहले क्लियर हो जाता, पदस्थापन स्थानांतरण क्लियर हो जाता, वेतन स्ट्रक्चर का पता चल जाता, तब जाकर के वे प्रधान का रिजल्ट आता,
तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि प्रधान का वेतन स्ट्रक्चर, सक्षमता टीचर जो वशिष्ठ शिक्षक बनने जा रहे हैं सक्षमता दे करके, उनके सामने टिक नहीं रहा है। 30,500 मूल वेतन स्ट्रक्चर, और जबकि विशिष्ट शिक्षक जो ओल्ड किस्म के हैं उनका वेतन स्ट्रक्चर 31,000 पार जा रहा है। तो ऐसे में वे चाहते हैं कि सक्षमता दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक का जो स्ट्रक्चर होता पहले ज्वाइन करा लिया जाता, पदस्थापन स्थानांतरण हो जाता, तब प्रधान का रिजल्ट आता तो अच्छा रहता। और प्रधान और TRE 3.0 अगर सक्षमता से पहले आता है, अपग्रेडेड करना है, तभी दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि वेतन आपका स्ट्रक्चर गिरेगा। क्योंकि सक्षमता के जो शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, सारे वेतन स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे। जी हाँ, जब उसमें ज्वाइन करते हैं तो तोड़ देंगे। तो वेतन स्ट्रक्चर को लेकर कुफू की स्थिति बनी हुई है कि क्या अगर पहले प्रधान TRE 3.0 आ जाता है तो ज्वाइन किसको करना है, ये उनके पास उफू की स्थिति बन चुकी है। अब देखना ये है कि सक्षमता पहले क्लियर होता है या प्रधान या TRE 3.0, लेकिन ट्रैक पर आई गाड़ी से तो लगता है कि प्रधान और TRE 3.0 ही पहले क्लियर होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.5 लाख यानी 1 लाख TRE 3.0, प्रधान 50-60 हज़ार जो है फ्रेश भाली मानते हैं, अम्मा है भी चूँकि BPSC से है, तो ये पहले ट्रैक पर गाड़ी दौड़ेगी। अब सवाल ये है कि नियोजित शिक्षक के सामने विकल्प ही विकल्प है, अब देखना यही है कि किसको ज्वाइन करना है, क्योंकि सक्षमता वेतन स्ट्रक्चर में तो सबको पीछे छोड़ ही देगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड, प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षक के रिजल्ट का जो बातें हो रही थी वो 23 सितंबर तक तो नहीं आएगा रिजल्ट। फाइनल रिवाइज आंसर की आ चुका है, जिसमें जो एक 7 अंक और 2 अंक 9 अंक का बदलाव हुआ, लेकिन वास्तविक ज़मीन पर देखा जाए तो 2-3 अंतर का फासला हुआ है। शिक्षकों के बदलाव में जो हुआ है 4-5-6 अंक मिला है और ना ही घटा है, लेकिन 1-2 अंक का अंतर जरूर हो चुका है। मैक्सिमम 3-4 अंक का नुकसान हुआ है, फायदा 2-1 अंक का ही हुआ है। और आप जानते हैं कि 23 सितंबर तक रिजल्ट अब आने वाला नहीं है, क्योंकि ताती समुदाय को उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर रुख करते हैं, राज्य के स्कूलों में पोषण माह का आयोजन कल से होगा और मध्याह्न भोजन योजना में मुक्त हो जाएंगे शिक्षक से संबंधित सभी, लगभग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिया है। परिणाम के तुरंत बाद विद्यालय के पोर्टल पर मिलेगा TR यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी व्यवस्थाओं के ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है। और साथ ही साथ बता दें कि अमृत लाल मीणा आज संभालेंगे मुख्य सचिव पद बिहार के, आलोक राज बने बिहार के पुलिस महानिदेशक। जी हां फ्रेंड्स, और अमृत लाल मीणा होंगे राज्य के मुख्य सचिव। लोकसभा चुनाव का सबसे अधिक रकम मतदान वाले पर होगा चेक इन अभियान। स्कूली प्रतियोगिता में होगा 17 खेलों का आयोजन। जी हाँ, जो आपका दिया है पूरा इसमें खेल का स्ट्रक्चर उसमें होगा। और फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट में आप बने रहे, इसके लिए थैंक्स। वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।